आंधी तूफान आया हुआ है, बारिश हो, बारिश में भी नहीं छोड़ रहे हैं। जनरली लोको पायलट होंगे, बारह बच्चे लोको पायलट नहीं है, अकेले आना है यार। ये हाल है भाई, पार करा दो यार। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। और शाम के बज रहे 5, मैं सुबह 6 बजे अवेलेबल हो रहा था और काफ़ी जोर का आंधी तूफान आया हुआ है और मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है जिस तरह से मेरा बारिश के साथ रिश्ता रहा है कि कंफर्म है कि कॉल बुक 1 से 1.5 घंटे में आएगा। और देखो इतना ज़बरदस्त ये बारिश हो रहा है, इतना ज़बरदस्त, अच्छे से दिखाता हूँ भाई साहब। ऐसा ज़बरदस्त बारिश हो रहा है और आंधी तूफान आया हुआ है और मेरा कॉल बुक का टाइम हुआ है। और एक चीज़ के ऐसे टाइम पे भी अगर साइन ऑन का टाइम है तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इतना बादल चमक रहा है, जो भी हो रहा है हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो ये है ALP रेलवे का ड्यूटी कि ऐसे आंधी तूफान में भी जाना पड़ सकता है। कितना भी आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, इतना जोर से तड़का है फिर भी हम लोगों को जाना पड़ेगा, फिर भी जाना ही पड़ेगा। तो ये है हम लोगों का, ड्राइवर लोगों का लाइफ ऐसा ही है। और ट्रेनें नहीं रुकती हैं, वही रीज़न है इतने बारिश में पैसेंजर जो ट्रेनें पैसेंजर जाना बंद नहीं करेंगे। मालगाड़ी है वो धोना कम नहीं होगा। इस चीज़ के लिए मेरे पास ऐसा सबके पास कुछ ना कुछ उपाय रहता है और अभी बस एक प्रॉब्लम है, मेरा बैग का कवर नहीं है। दिखाता हूँ बारिश के दिन में क्या क्या जुगाड़ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं और दिखाते हैं। और ये रेनकोट, ये भी मतलब दोनों पैंट वेंट वाला बैग के पास पहले से ही रख दिया है मैंने। और यार आज तो फट रहा है क्योंकि वो दोनों सुबह सुबह चला गया है, उन लोगों का काफ़ी अच्छा था। और ये रहा मेरा छाता जो कि इसको भी मैं बैग के पास रख दूंगा। और बस मैं यही दुआ कर रहा हूँ भगवान से कि वो फ़ोन जो है COG वाला वो अभी ना बजे, क्योंकि ऐसे हालत में 2 घंटे का टाइम मिलता है, या तो अगर फ़ोन बज जाए तो 2 घंटे बाद बारिश बंद हो जाए, या तो फ़ोन उस टाइम पे बजे जिस टाइम पे बारिश ना हो रहा हो, नहीं तो जाना पड़ेगा। तो 3 आना तो कन्फर्म है, 4 से 5 घंटे में शाम तक आना कन्फर्म है, क्योंकि अभी दिवाली था उसके लिए गाड़ियाँ काफ़ी कम थी, लेकिन अभी पता चला कि फिर से गाड़ी बढ़ गया है। कल बहुत सारा TN था, तो दिवाली टाइम पे ऐसा होता है कि लेबर सब लोग जो होते हैं जो गाड़ी का लोड अनलोड करने वाले होते हैं वो लोग घर चले जाते हैं, तो लोडिंग अनलोडिंग नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए गाड़ियाँ कम थी लेकिन अभी 2 दिन से बढ़ा हुआ है, तो देखते हैं। अभी तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है, PR था मेरा, तो PR से मैं 6 बजे 32 घंटे वाला PR मिला हुआ था, तो 6 बजे निकला था। उसके बाद अभी कितना घंटा हो गया, 12 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, तो लगभग 44 घंटे का रेस्ट हो चुका है मेरा। मैं अभी पूरा बीच के इतना तेज बारिश में और तुम लोगों को लग रहा हो ज़रूरी काम था, तो ऐसा नहीं ज़रूरी काम, जब भी बारिश होता है मेरा चाय पीने का मन करता है, तो मैं आंधी तूफान में गया था दूध लाने और अब बनेगा चाय। अब मैं यहाँ बैठ के, मुझे बारिश देखना बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ बैठ जाऊँगा चाय गरम गरम और बैठ कर मस्त बारिश देखूँगा जब तक ड्यूटी का कॉल नहीं आता है, तो बारिश देखते हैं आराम से। अब यार इतनी तेज बारिश में ये लॉबी का कॉल, बस बस भाई बारिश में भी नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ यार अभी वही मैं बात कर रहा था कि अपना ड्यूटी ऐसा है। चलो ठीक है राइट आते हैं ना, कितना बजे साइन ऑन, 18 बजे, भगवान बस बारिश बंद हो जाए। ठीक है भाई राइट राइट।
तो भाई साहब कॉल बुक मिल गया और बारिश का हाल यू है। इधर इधर से नहीं पता चल रहा है, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। और ये जितना बारिश है अभी कैमरे पर नहीं पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि डीएन ठीक ठाक है, एक गाड़ी में लोको अटैच होना है जिसमें तो मुझे बैठ के नांदेड़ जाना है, फिर तो वहाँ से वापस आ जाना है। तो मे भी 8-10 बजे तक वापस भी आ जाऊँगा। लेकिन यार बारिश में भी पीछा नहीं छूट रहा है ड्यूटी से। देखो अंदाज़ा मिल जाता है मुझे कि कब ड्यूटी लगने वाला है, और ख़ासकर जब ये बारिश होने लगे ना और मैं आस पास रहूँ तो समझ लो कि मेरा कॉल बुक आना ही है, क्योंकि भगवान को मुझसे कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी रेडी होंगे, 18 बजे जाना है, 2 घंटे टाइम है, हो सकता है बारिश बंद हो जाए। तो बारिश बंद हो जाएगा तो भी मिलते हैं, नहीं होगा तो भी मिलते हैं बस रूम तक। तो भाई साहब फाइनली आई एम रेडी, तो मैं हो चुका हूँ रेडी और बस थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। मतलब मैंने भगवान से जो दुआ किया था कि बारिश कम हो जाए तो कम हो गया, बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो फिर भी रेनकोट पहन लेंगे और ये मैंने पैक कर लिया है बैग में, हालांकि टिफिन अभी बाहर ही है, वो मेरा लापरवाही का नतीजा है। तो पहले रेनकोट पहन लेते हैं फिर उसको भी डाल लेंगे। और यार अभी इतना गर्मी लग रहा है ना, मुझे रेनकोट पहनने में भी डर लग रहा है। तो बारिश बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही जाते हैं, रेनकोट नहीं पहनते, रेनकोट को करते हैं पैक। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है तो निकला जाएगा, रेनकोट को पैक कर लूँ। जिसको मैं बहुत परेशान होकर ढूंढ रहा था वो ये है, क्योंकि ये नाइट ड्यूटी में खासकर बहुत ज़रूरी चीज़ है। नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी हो कभी, क्योंकि कोई पता नहीं रहता कि कब जाएंगे कब आएंगे। अभी तो जहाँ तक चांस है, देखो नांदेड़ जाने के बाद वहाँ पे ऑफ करवाता है कि यहाँ भेज देता है, तो अभी कुछ पता नहीं। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं बहुत बेसब्री से ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था। तो ये नहीं हुआ तो फिर आ जाना है पनिशमेंट। फाइनली रेडी तो हो चुका हूँ मैं, बैग भी उठा लिया, पीछे झोला भी ले लिया, और अब बस रूम से निकलना है। और एक चीज़ फिर से छूट रहा था, टॉर्च। और अब मेरा पेन इतना बार छूट गया कि मैं इस पेन को जेब से नहीं निकलता, इसको हमेशा इसी में डाल के रखता हूँ। अब एक काम, शूज पहनना है और स्लीपर पैक करना है। स्लीपर के लिए मैं प्लास्टिक भी भूल गया, तो सब चीज़ भूल रहा हूँ क्योंकि आज नज़दीक ड्यूटी जाना है। तो इसमें स्लीपर डाल के पैक करते हैं, क्योंकि रनिंग रूम में जूते पहन के तो नहीं घूमेंगे, तो उस चीज़ के लिए है ये। यार आज मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, अभी मैं गेट वेट बंद करके जा रहा था, पता चला ये ड्यूटी वाला फ़ोन, इसका चार्जर, और ये दिख रहा है ये मेरे फ़ोन का चार्जर, जो मतलब फ़ोन है एक जिसको ऑफ करके रखा जाता है, दोनों तो ऑफ ही रहता है। तो ये सब छूट रहा था, मतलब आज सब चीज़ छूट ही रहा है पता नहीं क्यों, तो इसको बैग में डाल लेते हैं अभी। तो फाइनली सब चीज़ रख लिया और लाइट बंद करके रूम से आउट। मैं सोचा कि चलो बारिश से बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही रूम से निकले तो धीरे धीरे बारिश चालू हो गया। और मैं बिल्कुल भीगना नहीं चाहता, क्योंकि 7-8 दिन से फीवर आया हुआ था और मैं नहीं चाहता फिर से फीवर आए। तो अभी मैं रेनकोट पहन लिया हूँ और बारिश भी हो रहा है, तो इसको रखेंगे फ़ोन को, नहीं तो भीग जाएगा, तो फिर बादल भी चमक ही रहा है। इसको रखते हैं बैग में और मिलते हैं सीधा स्टेशन पे या लॉबी में पहुंच के। तो फ़ोन भीग गया तो हो जाएगा खर्चा फालतू का। यार ये हाल है भाई, पार करा दो यार, ड्यूटी से थोड़ा पार करा दो। तो भाई साहब
मैं ये इसमें पाल के रखता हूँ इसको, जब भी आता हूँ बिस्किट खिलाता हूँ मैं तो। हट तो अभी 3 घंटे में मैं ऑफ कर दिया, इसमें काम हुआ है आधे घंटे का। तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा अजय भाई के रूम पे, मेरा ईयरफोन छूट गया था बहुत दिनों से, लगभग 15 दिन से औरंगाबाद छूटा हुआ था। तो उसके बाद अभी जा रहे हैं उनके रूम पे, वहाँ से लेंगे और वापस आएंगे। तो गाइस फाइनली 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं आ चुका हूँ रूम पे और अजय भाई के रूम पे जाके मैं ये लाया। तो ये मेरा 15 दिन से छूट गया था, इसको देख के मेरा फीलिंग ये था। तो मतलब आज का काम मैंने बोला कि मैं बिना लोको पायलट गया था, तो हाँ आज मैं बिना लोको पायलट के ही गया था, क्योंकि मेरे साथ कोई लोको पायलट नहीं था, लाइट इंजन था। मतलब उसमें काम ऐसा था कि एक पैसेंजर गाड़ी था उसके पीछे लोको अटैच हुआ था, वो स्टार्ट था, तो उसमें ऐसे कुछ काम रहता है जो अगर उससे ऑपरेट नहीं हो रहा है तो कुछ बटन वटन दबाना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है, और अगर गाड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकता है तो उसमें ब्रेक अप्लाई किया जाता है। तो उस चीज़ के लिए मैं गया था, जिसमें लोको पायलट का कोई काम था ही नहीं, इसलिए बिना लोको पायलट के आज मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ अकेले। और ड्यूटी कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं, आधे घंटे काम हुआ, और वैसे तो मैं आके 8:30 बजे वहाँ पर ऑफ कर दिया था, लेकिन अभी रात के 11:30 बज रहे। 11:30 बजे मैं रूम पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अजय भाई के रूम पे गया था, तो वो लोग बोलेंगे चलो रूम पे तुम्हारे तो कोई है नहीं तो खाना वाना यहीं पे खा लो। तो मैंने उधर ही खाना वाना खा लिया, हम लोगों का खाना बना। फिर अभी मैं आ रहा हूँ 11 बजे रात को, तो अब तो बस खाना है नहीं है, खाना तो खा लिया मैंने, बस सोना ही है। तो जल्दी से जल्दी मैं इसको चेंज कर लूँ यूनिफॉर्म को, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि देखो ड्यूटी करने के बाद ये बैग वो तो लोड है ही, यूनिफॉर्म ये बात सब लोड लगता है। तो जैसे ही रूम से आते हैं सबसे पहला काम कि यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करते हैं, तो रुको चेंज कर लेने दो मुझे। तो फाइनली चेंज हो चुका है मेरा, और ये वाला जो ड्यूटी है मेरा, ये मेरे लाइफ का अभी तक मतलब ALP में कैरियर का सबसे छोटा ड्यूटी है। 6 बजे का साइन ऑन था और 8:30 बजे साइन ऑफ, 2.5 घंटे ओनली, 2.5 ये दो ये एक, तो ओनली 2.5 घंटे का ड्यूटी हुआ है। चेहरे पे फ्रेशनेस तो दिख ही रहा होगा कि मैं फ्रेश लग रहा हूँ मैं। और अब कुछ काम नहीं, खाना वाना कुछ नहीं बनाना है आज, मतलब मज़ा ही आ गया। मुझे लगा था कि मैं ड्यूटी करने जाऊँगा तो आऊँगा कल परसों, तो ये वाला ब्लॉग कल अपलोड होगा, लेकिन एक दिन पहले हो रहा है क्योंकि 2.5 घंटे में ही मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया है। तो चलो तुम लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, और लाइक सब्सक्राइब शेयर, सब्सक्राइब करो यार, जो ये लाल वाला बटन दिख रहा है ना इसको ग्रे करो जल्दी, मुझे और सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे और बातें करनी है और लोगों के साथ, मैं वीडियो शेयर करना है, इंटरेक्ट करना है, बात करना है, जो भी करना है समझ लो, मुझे बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब करो, नए हो पुराने हो तो दोबारा करने मत जाना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है।